सन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट क्लेम कवर ग्रेट प्राइस वेट 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 वाह प्राइस भी ग्रेट टाटा AIG कार इंश्योरेंस ट्रस्टेड नाम फैंटास्टिक नाम हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल ...2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की राजनीति में बीपी सिंह का नाम फिर गूंजने लगा, उनकी चर्चा फिर खड़ी हो गई। 2008 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन हुआ, तब से लेके आज तक और उससे पहले भी जब वो जीवित भी थे और अस्वस्थ रहते थे, ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, तब भी राजनीति में जो दिशा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बदली उसके कारण जो नेता बने लोग या लाभान्वित हुए व्यक्ति या दल, उन्होंने कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद नहीं किया। ना जन्मदिन पर याद किए जाते थे राजा मांडा और ना निधन पर, कभी कोई कहीं पूछन हार नहीं। अक्सर कहा जाता था कि आजादी के बाद भारत की राजनीति में जो परिवर्तन हुए उनमें सबसे बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन कर देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल लागू कर देने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह। इतना बड़ा काम करने के बाद भी उपेक्षित हैं और कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं उनकी स्मृतियों की, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी रही हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी रही हो, चाहे कांशीराम की पार्टी रही हो, कहीं किसी ने दूर दूर तक विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई उल्लेख करना भी कभी जरूरी नहीं समझा। आज अचानक से बीपी सिंह फिर जिंदा हो गए, और कहां जिंदा हुए? ठेठ दक्षिण में, चेन्नई में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उनकी चेन्नई में एक आदमकद प्रतिमा लगवाई है, आज उसका अनावरण। और अनावरण के लिए किसको चुना स्टालिन ने? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को। एक तो बीपी सिंह की स्मृतियां अचानक से सतह पर कैसे आ गई ये रहस्य, क्योंकि राजनीति में राजनेताओं के द्वारा किया गया कोई भी काम यूं ही नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात कि बीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण समारोह में अखिलेश यादव को अतिथि के तौर पर चुनना, उसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि सब लोग जानते हैं, जो लोग उत्तर भारत की राजनीति को समझते हैं, उसमें रुचि रखते रहे, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते खराब रहे, कभी अच्छे नहीं रहे ना, वर्किंग रिलेशन राइट, बस समझ लीजिए, इससे आगे नहीं। क्योंकि बीपी सिंह अजीत सिंह को पैटर्नाइज कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे, इस नाते मुलायम सिंह अलग थलग थे। तो फिर अखिलेश यादव को क्यों चुना? 2008 में बीपी सिंह का देहांत हुआ, उसके बाद 12 से 17 तक सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्म स्थान पर कहीं कहीं कोई चौक चौराहा तक का नामकरण नहीं हुआ, मूर्ति तो छोड़िए, कर सकते थे नहीं? फिर अखिलेश यादव को क्यों चुना गया? एक तो बात ये, और लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग जो राजनीति में बीपी सिंह के मंडलवाद के बाद अचानक से धूमकेतु की तरह उभरे, बड़े नेता बने, उन लोगों ने बिहार में जब अनंत लंबे समय तक शासन किया और अभी भी कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी बीपी सिंह की सुध क्यों नहीं ली?
उनकी स्मृतियों की सुध क्यों नहीं ली? क्या स्टालिन जैसी प्रतिमा बिहार में लालू यादव नहीं लगवा सकते थे? लालू यादव भी तो बड़े नेता तभी बने जब बीपी सिंह ने मंडल लागू किया। ये सब मंडल के बाय प्रोडक्ट हैं। ये लोग राजनीति में थे पहले, लेकिन बड़े नेता नहीं थे। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ ना उत्तर प्रदेश ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सुध ली, ना बिहार ने ली। सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई का मुखर मैदान यही रहा उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर अचानक से बीपी सिंह एक धूमकेतु की तरह उनको क्यों खड़ा किया जा रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। और वो भी ठीक चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के ठीक एन वक्त। और एक इसमें आयाम और है, बीपी सिंह और गांधी परिवार के रिश्ते बेहद कड़वे रहे। राजीव गांधी के राजनीतिक पतन की पूरी का पूरा श्रेय बीपी सिंह को जाता है बोफोर्स कांड के जरिए। गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप पहली बार किसी ने लगाया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही लगाया और ईंट से ईंट बजा दी। स्टालिन की पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है तमिलनाडु में, और वैसे भी INDIE के मेंबर है। उसके बाद बीपी सिंह की मूर्ति, ये कांग्रेस को कैसे पचेगी और कितनी पचेगी, बड़ा मुश्किल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस पूरे रहस्यमय राजनीतिक घटनाक्रम के एक एक आयाम को समझने की कोशिश करते हैं। कदम से कदम मिलाकर के आपका साथ देने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। पिछड़ों को हक, अधिकार, आरक्षण कैसे मिले, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। तमिलनाडु से आई पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की इस तस्वीर ने अचानक देश के सियासी गलियारों की तासीर को गर्मा दिया है। हर किसी के जहन में एक सवाल जोर मार रहा है, आखिर यूपी आने वाले बीपी सिंह की तमिलनाडु में इस वक्त लगवाई गई मूर्ति के मायने क्या हैं? इतना ही नहीं, सवालों का सैलाब तब और शोर करता सुनाई दिया जब पता चला कि बीपी सिंह प्रतिमा के अनावरण में केवल अखिलेश यादव को ही आमंत्रित किया गया। मुझे उम्मीद है कि स्टैच्यू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिलाकर के आपका साथ देने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। दरअसल साल 2024 के चुनाव की बिसात पर वैसे तो एक तरफ विपक्ष का इंडिया वाला गठबंधन है और दूसरी ओर NDA का गुट, वहीं अखिलेश यादव और स्टालिन दोनों ही विपक्षी इंडिया के सहयोगी हैं। हालांकि बीते दिनों से अखिलेश यादव और कांग्रेस में जमकर अदावत दिख रही है। अखिलेश यादव लगातार PDA का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और स्टालिन कोई नया प्लान बना रहे हैं? 2024 में उत्तर और दक्षिण की सियासी प्रयोगशाला में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सपा का तमिलनाडु में कोई जनाधार नहीं है और स्टालिन का यूपी में कोई जनाधार नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। पिछड़ों को हक, अधिकार, आरक्षण कैसे मिले, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी तमिलनाडु सरकार के आदरणीय MK स्टालिन जी का आभार व्यक्त करती है कि स्वर्गीय वीपी सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। समाजवादी पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछड़ों के हक, अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। समान विचारधारा वाले दलों को उनके साथ मंच को इसी तरह से साझा करते हुए पूरे देश में पिछड़ों के हक की आवाज को बुलंद करती रहेगी। हालांकि सियासत में ये जरूरी नहीं कि कोई भी कदम सीधे तौर पर किसी सियासी दल को फायदा पहुंचाए, बल्कि कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जो दूर तक संदेश देने के लिए उठाए जाते हैं। तो क्या दोनों दल कांग्रेस के लिए कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या
2024 की बिसात पर ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर कोई जुगत बना रहे हैं। बहरहाल दक्षिण की धुरी पर पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा के मौके पर अखिलेश यादव को निमंत्रण 2024 की बिसात पर संयोग है या जानबूझकर किया जा रहा प्रयोग। वहीं सामाजिक न्याय के नारों के बीच सवाल ये भी है कि स्टालिन और अखिलेश क्या कांग्रेस को देना चाहते हैं संदेश। सन के साथ मन को जगाओ, वी गार्ड वॉटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस। वेट वेट वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी, अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अचानक से बीपी सिंह जी के प्रति ये प्रेम अनुराग जो उमड़ा है चुनाव से ठीक 3 महीने 4 महीने पहले, इसी के भीतर सब छुपा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, अमिताभ तिवारी जी हैं चुनाव विश्लेषक, अमिताभ तिवारी जी का स्वागत है। प्रशांत पटेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह हैं कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत। अमिताभ तिवारी जी, आज़ादी के बाद के भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सामाजिक तौर पर सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति करने वाले विश्वनाथ प्रताप एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें सबने भुला दिया था। क्या सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने, जनता दल ने, लोकदल ने, RLD ने, जितने दल हैं आप नाम ले याद कर सकते हैं, कोई नहीं याद करता था कभी। कांग्रेस से तो चलो उनका वही था भाई, कांग्रेस के तो माथे से उन्होंने सिंदूरी पोंछ दिया तो कांग्रेस की समझ में आती बात, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई याद नहीं करता था। और सामाजिक तौर पर भी ना पिछड़े नेता याद करते थे ना अगले। मुलायम सिंह ने कभी याद नहीं किया, लालू यादव ने कभी याद नहीं किया, नीतीश बाबू ने कभी याद नहीं किया। राम का नाम लो, उनने कहा हम खुद नेता हैं, ये सामाजिक न्याय तो हम ला रहे हैं, किसी ने कहा बीपी सिंह लाए। ये 4 महीना पहले अचानक से इतनी बड़ी प्रतिमा, ये मसला क्या तिवारी जी? जी हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो लेगेसी है उसको जो जनता दल के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जैसा आपने कहा समाजवादी पार्टी, RJD एटसेट्रा, किसी ने कभी याद किया नहीं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो जितने भी घटक दल हैं थे जनता दल से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलाइंड हो गए 1990s के एंड तक आते आते। और क्योंकि कांग्रेस और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था जैसा आपने कहा, इसकी वजह से भी इन लोगों ने मतलब उनकी जो लेगेसी है उसको एक तरह से बुला दिया। और खुद भी क्योंकि वो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते थे और ये क्रेडिट खुद अपने पास रखना चाहते थे, उसकी वजह से भी शायद उनको नजरअंदाज किया गया। लेकिन जब जैसे ही 2024 का चुनाव आ रहा है, कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, जितनी आबादी उतना हक बहुत बड़ा स्लोगन है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया ब्लॉक के दलों का भी, और जब अब 27% से ऊपर रिजर्वेशन की बात जब होने वाली है या हो रही है, जैसे बिहार में भी हो चुका है जी, तो तब कहीं ना कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह की लेगेसी और उनका जो उनकी स्मृति में लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव से पहले लुभाने की एक कोशिश जरूर है। तमिलनाडु में बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के माइग्रेंट्स रहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था, 10 लाख से ऊपर वहां पर माइग्रेंट्स रहते हैं, उनको भी बुनाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि अर्बन सिटीज में उनका वोट इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। और हो सकता है कि उन्होंने और लोगों को भी बुलाया हो क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कुछ लोग नहीं गए हो या उनकी अनुपलब्धता रही हो, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ओबीसी वोट के लिए जो एक ठीक है तिवारी जी ठीक।
अव्वल तो तमिलनाडु में जो रह रहे हैं प्रवासी, उनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह वोट दिला सकते नहीं दिला सकते, ये तो तब मसला हो जब पहले कहीं हुई किसी मठिया तक का नाम यूपी में किसी ने बीपी सिंह के नाम पर किया हो। बीपी सिंह के मर जाने के बाद 4 साल बाद अखिलेश यादव 5 साल में चीफ मिनिस्टर रहे, और बीपी सिंह जब ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे तो नेताजी चीफ मिनिस्टर रहे। कहीं चौकसा रहा किसी का नाम किया नहीं, पानी की टंकी का भी नाम नहीं किया, ना लालू यादव ने किया। 15 साल शासन किया लालू यादव ने, 15 साल, और अब भी उन्हीं शासन ने नहीं किया। बीपी सिंह के पास वोट का मसला होता तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन ये खेला क्या है ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसके और अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा तिवारी जी। बीपी सिंह के पास कुछ हो, अगर वोट के मान लीजिए स्थिति होती तो शायद ये लोग यूपी बिहार में उनके फोटो वोटो लगा देते, कहीं ना कहीं उनका प्रतिमा लगा देते, और यूपी में प्रतिमा लगाने में तो यूपी वाले सबसे आगे हैं, क्या सबकी लगा देते। रत्नाकर जी, गांधी परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर अगर सबसे ज्यादा अपमान और नुकसान किसी नेता के एक नेता के जरिए झेलना पड़ा, वो लोहिया नहीं थे क्या, वो मोदी जी भी नहीं है, तो वो है राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या उन्होंने बिल्कुल जो है मटिया मेट कर दी इज्जत, वो फोर्स का मसला उठा के महल ही ढा दिया। अब ये दो लोग दल आपकी INDIA के मेंबर हैं क्या, अब इनने वहां बताइए वो कितने फिट की आदमकद प्रतिमा खड़ी कर दी शेरवानी पहने हुए राजा मांडा की, और अखिलेश यादव को बुलाया। अखिलेश यादव स्टालिन को बुलाते यूपी मूर्ति लगाते तो भी समझ में आता नहीं, और डीएमके आपका INDIA से नहीं, वैसे भी कांग्रेस और डीएमके में अलायंस है तमिलनाडु में। रत्नाकर भाई, ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अभी देखिए जी, जहां तक बात बीपी सिंह की है और गांधी परिवार की है, तो देश ने देखा कि किस तरह से झूठे आरोप जो है राजीव गांधी के ऊपर वो बस घोटाले का लगाया गया था, और उस आरोप के प्रति जो है उस आरोप के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और आरोप जो है वह झूठा साबित हुआ, ये देश ने देखा। कहीं ना कहीं देखिए सच की विजय होती है, और जो घोटाला कभी राजीव गांधी ने किया ही नहीं उसका आरोप लगा करके तमाम राजनीति लूंगा। जिस आदमी ने आपके बकौल कांग्रेस आपके मुताबिक कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाया, उसकी मूर्ति कांग्रेस के दो बड़े LI लगा रहे शेरवानी पहन के बिल्कुल टंटना के, क्या यही तो सवाल है मित्र। नहीं देखिए राजनीति में अगर अगर वहां पे लगाया जा रहा है मूर्ति तमिलनाडु में, तो वहां पे कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया था, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो पवन कृष्ण मूर्ति जी है उनको भी बुलाया गया था। तो राजनीति में अगर कोई मकसद अगर अच्छा हो तो बीती बात को विसार करके और समय के साथ चलने का जो है एक एक रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर भाई आज आवाज में वो जान नहीं है मित्र, बोल शब्द हैं जान नहीं है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। अब अमिताभ भी सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, हो सकता है आवाज में जान नहीं हो क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं और कई कामों के बोझ के वजह से आवाज कारण दूसरा है, लेकिन जो बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि देखिए कोई आपत्ति नहीं है हमें, हम तो स्वागत करते हैं अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां एक उद्देश्य के लिए अगर एक साथ आकर खड़ी होती है, और जब आरक्षण के मुद्दे पे एक साथ खड़ी होती है, जातीय जनगणना के मुद्दे पे एक साथ खड़ी होती है, तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, और कांग्रेस पार्टी यह मांग भी करती है और वादा भी करती है जनता से कि जब हम 2024 में आएंगे तो जातीय जनगणना जरूर कराएंगे, और पूरी कर लूं 10 सेकंड और दीजिएगा, और
आज जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, 4% कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दी, तेलंगाना में योगी जी आते हैं कहते हैं हम खत्म कर देंगे 4% आरक्षण, उसका विरोध करेगी। और निश्चित रूप से जो वंचित समाज है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उसके हक की लड़ाई लड़ेगी और उनको हक उसका देगी। आप ठीक महाराज, हम आप लोग हम पे थोड़ा भरोसा क्या करो, जो आप नहीं बोल पाते हो ईश्वर की कृपा से हम आपके नाम से ऐड कर दिया करेंगे। कांग्रेस जिस दिन आ जाएगी उस दिन सब काम छोड़कर जाति जनगणना आरक्षण सब लागू कर देगी जितनी चीजें फाइनल। इतनी मुखरता से हो यही बात कहना चाह रहे, ठीक है। मुझे याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंच पर जाते थे। अच्छा, मुझे उन एक पत्रकार के नाते उनको कवर करने का बहुत अवसर मिला, लंबी लंबी दृष्टांत समझने का अवसर मिला, तो उस नाते मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को वो ठीक से समझ पाया। तो वो जाते थे मंच पर, फिर ऐसे अपना हाथ डालते थे अंदर, एक ये गेस्ट लिस्ट का कागज है इसी को मान लो हैं, ऐसे ऐसे फंसाते थे, कागज निकालते थे, इस कागज में नाम लिखा है, खाता नंबर लिखा है। बीपी सिंह को कोट कर रहा हूं, आप लोगों ने कितनों ने देखा है वो दृश्य, नहीं देखा, मैंने देखा। नाम वो कहते थे कि राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन मेरे हाथ, और ताली बजती थी, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। क्या वहां से बात शुरू हुई मित्र, इसका जनगणना और लोक गणना का मसला नहीं ना हर वक्त। बीपी सिंह के समय जनगणना लोक गणना का तो विषय भी नहीं था। उन्होंने एक तीर चला जिस तीर ने मुलायम सिंह यादव को बड़ा किया, लालू यादव को बड़ा किया, नीतीश कुमार को बड़ा किया, ठीक। और उन्होंने मुझसे जो कहा था उसको मुझे स्मरण आता है, उन्होंने कहा भाई मैंने एक लकीर खींच दी, अब ये लकीर छोटी नहीं हो सकती, मुझे गाली दो चाहे कुछ करो, हर पार्टी में अब ये चलेगी। और उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था अमिताभ तिवारी, बीपी सिंह ने, कि बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है, अब कोई माई का लाल इसको गर्भ में वापस नहीं भेज सकता, अब तो ये बड़ा ही होगा। तो हो ही गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजा नहीं फकीर है वाला जो मसला है, कांग्रेस इस बीपी सिंह के साथ कैसे निभाएगी एक, और अचानक से यादव जी अचानक से जो काम हम उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर सकते थे, क्या मुलायम सिंह रहे लंबे समय तक, उनके जाने के बाद बहुजन समाज की सरकार रही, ठीक, अखिलेश यादव की 5 साल अखंड सरकार चली, कहीं कुछ नहीं कि छोटा मोटा भी कोई कर देते, स्कूल कॉलेज धर्मशाला नहीं। अचानक से ये तमिलनाडु और बोले चलो भाई आओ, और कांग्रेस ने जो कहा कि किसको बुलाया है वो बात समझ नहीं आई। बीपी सिंह के में फिर मतलब बुलाते तो खड़गे टाइप के व्यक्ति को बुलाते, अब वहां लोकल मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष से तो काम नहीं चलेगा कि बोलो उनको बुलाया था। यादव जी बात समझ नहीं आ रही अभी मित्र, सुबह से लोग चौंक रहे हैं कि देश के हर अखबार में विज्ञापन दिया गया, बताइए इतना विज्ञापन तो राजा साहब जब राजनीति कर रहे थे तब नहीं उनका छपा कभी। बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, इस देश में दल है जो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल कहता है, तो उस अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल को राजनीति मछली पकड़ने की लगी नहीं होती है, वो हम 10वीं मंजिल से बैठ के मछली का शिकार कर, डोर लंबी है और कांटे बड़े नुकीले हैं, घुमावदार है जी। अब सोचे हैं 10वीं मंजिल से बैठ के जो मछली का शिकार होने जा रहा है वो किस तरीके से हो, तालाब के किनारे नहीं बैठे हैं हम, 10वीं मंजिल से शिकार कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अपने आप को बड़ा महान नेता समझती है कि विपक्ष की सारी चालों को हम यूं कर देंगे घुमा के 2 मिनट में, आओ दिखाओ, इतना कंफ्यूज कर देंगे कि पता ना चलेगा कि सांस कहां से ले और डैश डैश कहां से करें, इतना कंफ्यूज करेंगे। खैर, तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहता हूं, प्रयोगशाला रही है, प्रयोगशाला रही है पिछड़ों के आरक्षण की, रामास्वामी पेरियार साहब जी के अथक प्रयासों से वो तमिलनाडु पहला स्टेट बना था
इस देश का, जहां 69.5% आरक्षण लागू किया गया और उसको मेरे ख्याल से सातवीं अनुसूची में शामिल दर्ज करा दिया गया था। अब शायद बीजेपी जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के, वो अपनी रणनीति के तहत इस पहेली को सॉल्व करेंगे कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ही गई, कांग्रेस के लोकल लीडर ही क्यों गए। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें आदरणीय सोनिया जी भी गई थी, आदरणीय डिंपल जी भी गई थी, वो महिलाओं का एक प्रोग्राम था। केंद्रबिंदु बनता जा रहा है तमिलनाडु, इंडिया गठबंधन की राजनीति का। मैं तो बीजेपी से एक ही बात कहूंगा, आप नॉर्थ इंडिया की राजनीति करो, हम साउथ इंडिया की राजनीति करेंगे। ठीक, कौन कहां ले जा पाएगा आने वाला समय, तो भविष्य की बात है, अभी उस पर दावा नहीं करो। ठीक ठीक बात मनोज यादव। देखो, बीपी सिंह की प्रतिमा आप 16 फीट की लगाओ चाहे 22 फीट की लगाओ, क्या, और तमिलनाडु में लगाओ चाहे बंगाल में लगाओ, उसका अभी भाजपा से लेना देना नहीं। ये अभी कांग्रेस के साथ रिश्ता कैसे चलेगा, बीपी सिंह की मूर्ति जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतना गांधी परिवार के लिए मुश्किल होती जाएगी। ठीक, इसलिए अरे भाई अब से नहलाओ, ये मेरे से बात नहीं, आप जब अफसर आए तो बोल रहा ये सब नहीं करो। ठीक, गांधी परिवार के लिए उतना ही संकट, क्योंकि बीपी सिंह केवल एक चीज के लिए नहीं जाने जाते, वो केवल लालू यादव का पॉलिटिकल फ्रेम नहीं है, मुलायम सिंह का अवतार नहीं, मुलायम सिंह उन जैसी स्थिति में नहीं है कि केवल पिछले की राजनीति नहीं। बीपी सिंह दो चीजों के लिए जाने जाते, मंडल को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके बाद में जिसकी फसल बाकी सब इन नेताओं ने जिनके मैंने नाम लिए इन्होंने उठाई खाई, और दूसरा वो जाने जाते हैं कांग्रेस के टॉप, उसको सीधे निशाने पर लेना और करप्शन के मसले को भारत की राजनीति का निर्णायक मुद्दा बना देना, वो दोनों के लिए समानांतर जाने जाते हैं। ठीक, वो पेरियार नहीं है, और अभी मनोज यादव पेरियार का नाम लिया, मुझे एक प्रसंग याद आ गया, पेरियार ने एक बार तमिलनाडु में वहां धरना दिया, तिवारी जी क्या चेले छापरों को भी ले गए, भारत का संविधान जलाया, क्या पेरियार तो बच गए, चेले सब अंदर हो गए, क्या तो इसलिए, और पेरियार से उत्तर प्रदेश का मैच नहीं बैठता ना, एटा इटावा फरुखाबाद में कोई जानते ही नहीं, अभी बीपी मंडल को जानते हैं, पेरियार को नहीं जानते। ठीक, मनोज यादव भी जहां रहते हैं वहां के लोग भी पेरियार को नहीं जानते, तो खैर, और पेरियार उत्तर भारत में बैकफायर करते हैं, ये बात शायद नए लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि पेरियार ज्यादा इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने कोई पिछड़ों के लिए क्रांति की, वो ज्यादा इसलिए जाने जाते कि उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रति, वो स्वामी मौर्या का बड़ा संस्करण थे, ऐसे समझ लो, क्या, तो जैसी मुसीबत स्वामी मौर्या अखिलेश यादव के लिए पैदा कर रहे उसका बड़ा लार्ज संस्करण थे पेरियार, तो इसलिए उत्तर भारत में लोग पेरियार को नहीं लाए, ना लालू लाए, ना नीतीश लाए, ना मुलायम सिंह लाए, जानबूझकर नहीं लाए, क्योंकि वो यहां वोट दिलाएंगे नहीं घटा देंगे, ये समझनी जरूरी। कर प्रशांत पटेल जी, इसके पीछे क्या दिखता है कि तमिलनाडु में विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति, और मूर्ति का टाइम की टाइमिंग एक प्रश्न मेरा, दूसरा उत्तर प्रदेश जो उनका जन्म स्थान कर्म स्थान सब रहा, वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई मूर्ति नहीं लगवाई उनके राजनीतिक चेलों ने बाद में, और डीएमके से उनका कोई ऐसा नहीं रहा कि उनके चलते डीएमके बढ़ी हो, लेकिन डीएमके ने लगवाया, और अखिलेश जी का वहां जाना, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है और हम दसवीं मंजिल से मछली पकड़ रहे हैं। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिये, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का एक प्रादुर्भाव जो राष्ट्रीय राजनीति पर बड़े स्तर पर हुआ लगभग 86-87 में, एक राजनीति का, भारत की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था, और जो उन्होंने बोल्ड निर्णय लिए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का विरोध किया, उसके बाद कांग्रेस का पतन होता चला गया, जो 40 साल का एकछत्र राज 89 तक चला कांग्रेस का, उसके बाद फिर कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत की सरकार में केंद्र में नहीं आ पाई, दोबारा उनकी सरकार बाद में बनी लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई, उसमें अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा रोल वीपी सिंह का था, जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम उन्होंने प्रारंभ की और पिछड़ों को उनको अधिकार दिलाया। कांग्रेस तो की पहले से ही पिछड़ा विरोधी पार्टी के रूप में स्थापित थी, सदैव पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया,
जब मंडल कमीशन आया तो राजीव गांधी ने 2 घंटे संसद में भाषण दिया ओबीसी मंडल कमीशन के विरोध में, तो जो वोट बैंक था वो शिफ्ट होता चला गया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी समाप्त हो गई 89 के बाद, और देश में भी जब नरसिंह राव जी की सरकार बनी लेकिन वो तीन टांगों पर बनी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। और आज हमारे कांग्रेस के साथी आरक्षण की बात करें, जाति का जनगणना की बात करें, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, सिद्धारमैया जी ने पिछले टेनर में जाति की जनगणना कराई थी, क्यों आंकड़े नहीं जाहिर कर देते भाई? वाद आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई सर दिक्कत भी नहीं, कोई सरकार गिरने का खतरा भी नहीं है। तीन राज्यों में भी वर्तमान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं है, यहाँ पर आरक्षण लागू कर दीजिए। तो कम से कम जहां पर आप हैं पहले वहां पर पिछड़ों को अधिकार दे दीजिए, उसके बाद जब आएंगे केंद्र में, जब आएंगे नहीं आएंगे तो भविष्य काल की बात है, तो बाद में देखा जाएगा, आज तो कम से कम आप अधिकार दे दीजिए। रही बात माइनॉरिटीज के अल्पसंख्यक को रिजर्वेशन देने की, ये संविधान के विरोध में है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब नेहरू जी ने उन्होंने उस समय इस विषय को नहीं रखा था, उसमें माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इस तरह आप संविधान विरोधी बात करते हैं, आप लागू करते हैं, कोर्ट उसको रिपील कर देती है, तो कृपया इस तरह की बात न करें। ये आप कहीं भी लागू करने का प्रयास करें, कोर्ट उसको हटा देगी। जो आरक्षण आप दे सकते हैं पिछड़ों को दे सकते हैं तो पिछड़ों को आप दे दीजिए 27%, और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जो है कर्नाटक में लागू कर दीजिए, फिर जब आप कहेंगे तो जनता पीआर आपकी बात को विश्वास भी करेगी। सन के साथ मन को जगाओ, वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी, अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अच्छा अमिताभ तिवारी, होता क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको आप जैसे ही लाइमलाइट में लाओगे तो उससे जुड़ी बाकी चीजें भी लाइमलाइट में आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बीपी सिंह को 35% लाइमलाइट में लाएं और 65 बचा लें। नहीं, विश्वनाथ प्रताप अगर लाइमलाइट में आएंगे, उनकी स्मृतियां, तो मसला खड़ा होगा बोफोर्स का भी। करप्शन इन हाई प्लेसेस, वहीं से शुरू हुआ पॉलिटिकल इशू। फिर मसला यह भी खड़ा होगा कि जो बात अभी प्रशांत पटेल कह रहे थे, राजीव गांधी का वो ऐतिहासिक भाषण है लोकसभा में, क्या कोई प्रवक्ता वक्ता नहीं, छोटा एमपी ने बोला, खुद राजीव गांधी हिमसेल्फ, और उन्होंने कहा कि रविश है मंडल आयोग की रिपोर्ट, हम इसे सहमत नहीं, क्या फिर वो भी मसला खड़ा होगा? नहीं, वीपी सिंह अकेले तो नहीं जिंदा हो सकते ना कि भाई इतने परसेंट जिंदा हो जाए जी, जैसे तो ये समस्या तो कांग्रेस के लिए पर खड़ी हो जाएगी। हाँ, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में कॉन्ट्रडिक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से बहुत सारे आपने अभी गिना दिए जी। एक अगर कॉन्ट्रडिक्शन और याद दिलाएं दर्शकों को तो ये है कि कांग्रेस पार्टी डीएमके को गुजराल जी पर प्रेशर डाल रही थी कि डीएमके को सरकार से हटाया जाए, और उसकी वजह से 1996 से 98 की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरी थी। तो डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इसमें भी हिस्टोरिकली डिफरेंसेस हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी की पार्टी उनको प्राइम मिनिस्टेरियल चेहरा देखना चाहती है, वहीं डीएमके भी स्टालिन को प्राइम मिनिस्टेरियल चेहरा देखना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला ने उनका नाम भी एक बार इस साल जिक्र किया है। तो इंडिया ब्लॉक में दो धड़े हैं, एक है कांग्रेस और एक है नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टीज। अब नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टीज में समाजवादी पार्टी और डीएमके वगैरह, ये सब जो दल हैं, ये बड़े दल हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्लॉक विद इन ब्लॉक की जो एक पॉलिटिक्स है कि इंडिया ब्लॉक में रीजनल पार्टीज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अखिलेश यादव, स्टालिन, ताकि सीटों में जो बार्गेनिंग की चर्चा हो, क्योंकि अब 3 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला है, दोनों पार्टियों की नजर वहां भी है, तो इसलिए भी एक ब्लॉक बनाने की जरूरत क्षेत्रीय दलों को लगा होगा।
कि कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वीपी सिंह जब आगे आएंगे तो वो फोर्स की बात आएगी, डीएमके और कांग्रेस की बात होगी तो उनके असैसिनेशन की भी बात होगी, एलटीटी से कनेक्शंस की भी बात होगी जो कि जैन कमीशन रिपोर्ट में हिंट किया गया था। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है और पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। तो अब देखना पड़ेगा ही कांग्रेस पार्टी इसको कैसे इन कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करती है। दोनों तरफ की लामबंदी तैयारी हो रही है 3 तारीख के बाद के सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। रत्नाकर जी, क्या कांग्रेस को ऐसा भी कहीं एक कोने में उसके मस्तिष्क में ये भी बात आती है कि बीपी सिंह को एक खास डिजाइन के तहत जिंदा किया जा रहा है दोबारा से? क्योंकि बीपी सिंह, जैसे मैंने कहा, न्यूट्रल बात यह है, बीपी सिंह अलोन केवल मंडल पोर्शन भर जिंदा नहीं हो सकते ना। बीपी सिंह अगर फिर खड़े होंगे, चर्चा होगी, तो इन टोटो होंगे, संपूर्णता में खड़े होंगे। तो बीपी सिंह का क्या राजनीतिक जीवन है? राजीव गांधी से दो दो हाथ, यही ना, मंडल में भी दो दो हाथ हुए, वो फोर्स में भी दो दो हाथ हुए, यही ना है कुल जमा खेल। देखिए अमिताभ जी, बीपी सिंह को आज याद किया जाता है तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए याद किया जाता है। राजीव गांधी पे भी जो उन्होंने आरोप लगाए थे, वो राजीव गांधी उससे बरी हो गए और वो आरोप में कोई दम नहीं था। तो अगर गांधी परिवार के ऊपर कहा जाए कि गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी को कोई क्षति अगर पहुंचाने की कोशिश के लिए खड़ा किया जाता है तो ये बिल्कुल अनर्गल बात है। आज बीपी सिंह को चाहे जो भी सम्मान मिल रहा हो, ये पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम पिछड़ों के साथ हैं, हम आरक्षण के समर्थन में बीपी सिंह जो आरक्षण के लिए बीपी सिंह ने जो कवायद की थी, हम उसके लिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, उसका कोई विरोध नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। मेरे कहने का मतलब है, और आप अभी लोग कह रहे थे, आपने भी कहा कि राजीव गांधी का 3 घंटे का भाषण था, उसमें राजीव गांधी ने विरोध किया कि नहीं लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अमिताभ जी, अभी प्रशांत पटेल जी भी कह रहे थे, राजीव गांधी जी ने, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों से अपने आप को तटस्थ किया था और उसकी जटिलताओं के बारे में राजीव गांधी ने सदन में बताया था और वो जटिलताएं आज भी बरकरार है, जिसकी चर्चा राजीव गांधी तभी कर रहे थे। मैं बस पूरी कर लूं बात, उसकी पूरी कर लूं बात, जी जी बिल्कुल, उसकी जटिलता आज भी बरकरार है। आज देखिए मराठा आरक्षण क्यों नहीं ये लोग दे पा रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि मराठा आरक्षण में जो प्रावधान जो आरक्षण का है उसके बियॉन्ड अगर आप मांग करेंगे तो निश्चित रूप से सदन में उसको पास कराना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा। तो उसी तरह से अभी देखिए, अभी 4% इन लोगों ने जो आरक्षण खत्म कर दिया कर्नाटक में, उसको भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जटिलताएं अभी भी बरकरार है और उसको राजीव गांधी ने उसको उस समय कहा था, विरोध हम लोगों ने नहीं किया था, हमने आपको जरूर तटस्थ किया। दूसरी चीज, ये भाई साहब कह रहे थे कि देखिए ये धर्म के आधार पे जो भी चीजें होंगी ना वो असंवैधानिक है, उसको हटा देंगे। शायद प्रशांत जी को याद नहीं है, अनुच्छेद 15 में राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और राज्यों को अधिकार दिए गए, उस अधिकार के तहत पसमानदा मुसलमानों के जो ये हितैषी बनते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं इनके कार्यकर्ताओं को, जाओ भाई पसमानदाओं से मिलो, उनसे मिलो, उनका वोट हासिल करो। उन्हीं पसमानदाओं को, गरीब पिछड़े जो पसमानदा मुसलमान है, उनको वो 4% आरक्षण मिल रहा था और उसका ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसको हटाएंगे। आप समझ सकते हैं इनका दोहरा चरित्र, ये हमें किस तरह से, और बीपी सिंह ने आरोप लगाया था तभी कांग्रेस बरी हो गई और आज बीजेपी आरोप लगा रही है तमाम भ्रष्टाचार के, कांग्रेस फिर भी बरी हो जाएगी। कांग्रेस तभी भी थी, कांग्रेस आज भी है और कांग्रेस कल भी रहेगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल रहेगी। मैं तो दो बात कहकर फिर मनोज जी के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। एक तो ये राजीव गांधी का वो भाषण मंडल पर कांग्रेस के पतन का दस्तावेज बना, मेरी बात नोट कर लीजिए, गूगल से जाकर चेक कर लीजिएगा शो के बाद। उसके बाद से कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, सिमटती गई और 415 से 44 पर आ गई। पुराने लोगों से जाकर पूछिएगा, वो बताएंगे वही बात थी, ओबीसी ने देश भर में कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया, वहीं से लालू प्रसाद यादव खड़े हुए, वहीं से नीतीश बाबू खड़े हुए, वहीं से मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, है ना भैया। 89 के बाद तजउ आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाऊ,
क्या पंडित नारायण दत्त तिवारी अंतिम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उसके बाद कोई बना हो कहीं उत्तर प्रदेश में कोई बचा हो तो बताओ, मंडल आने के बाद बिहार में आपका कहीं कुछ बचा हो तो बताओ, नहीं ना, ऐसा नहीं था कि राजीव गांधी जो आप कह रहे हो कि वो उसके कानूनी पहलू समझा रहे थे ना, और मैं तो कह रहा कुछ समझा रहे हूं, देश के ओबीसी ने समझा कि कांग्रेस हमारे खिलाफ खड़ी है, बात खत्म हो गई, आप क्या समझा रहे थे ये मैटर नहीं करता, जनता क्या समझ रही मैटर ये करता भैया, वही कारण है जिसके बाद से कांग्रेस कभी भी 272 सीट लेकर नहीं आ पाई। हमसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि अग्निहोत्री जी मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी, यादव जी सुन लीजिए, कि केवल थर्ड फ्रंट ही नहीं, बोले भाजपा और कांग्रेस में भी, बोले कांग्रेस अशोक गहलोत को किनारे नहीं कर सकती, तब भूपेश बघेल नहीं थे, अशोक गहलोत थे तब भी, क्या बोले वो माली है, बोले भाजपा कल्याण सिंह को नहीं किनारे कर सकती, बोले ऐसी व्यवस्था कर दी अब मैंने, सच्चाई थी ये बात की, भारत की राजनीति का ग्रामर ही बदल दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और कम से कम हिंदी बेल्ट का तो पूरे बदल दिया था। खैर मनोज यादव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कुछ भी उपलब्धि है, जो प्रारब्ध है उनका, जिसको उनके अनुयायी पुण्य मानते हैं उनका, वो कांग्रेस के विरोध पर ही खड़ा हुआ है, और कांग्रेस के पार्टी नहीं, गांधी परिवार, परिवार नॉट पार्टी, परिवार। हमारे गांव में अग्निहोत्री जी दो परिवार थे जी, से उनमें ना तो खान पान था और ना ही आपस में बोलचाल था, और लड़ाइयां दो पीढ़ियों में कई बार, लेकिन कुछ भले लोग आए दोनों पीढ़ियों में, नई पीढ़ियों में, और दोनों लोगों ने परिवार के सारे झगड़े खत्म कर दिए, सारे मन मुटाव खत्म कर। अगर कांग्रेस और बीपी सिंह जी के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है तो अब नई पीढ़ी को सोचना है कि हम उसको मानेंगे कि मिटाएंगे। आप जानते होंगे गांव में एक गुड़ का कोल्हू होता है, गन्ना पेरने का कोल्हू होता है, तो कोल्हू जब उसमें रस निकाला जाता है तो उसके बड़े भिन्न भिन्न चीज होती है, उसके सूखे गन्ने को जलाने काम आता है, एक रस बनता है उससे गुड़ बन जाता है, कुछ एक सीरा होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, सबके सब कुछ काम का नहीं है, लेकिन कुछ के कुछ चीजें काम की हैं। तो ये जो इंस्टेंट और घटना सामने आई है, जिसके जिसके जो मतलब की है वो उसको लेके उड़ेगा, आगे बढ़ेगा। अभी बीजेपी के साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने तीन राज्यों में पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं दिया, ज्ञान इनका बड़ा अच्छा है, हम इनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि पटेल साहब है तो इनको दर्द है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में पिछड़ों के आरक्षण की फाइल तुम्हारे वाले राज्यपाल महोदय इससे फन डगाए बैठे हैं, सरकारों ने तो कैबिनेट में पास कर दिया, लेकिन राज्यपाल जो मोदी जी ने भेजे वो ऐसे फन काले बैठे कि ना ना दस्तखत तो ना करेंगे, अगर फाइल की बात करोगे तो 10 अलग से लेंगे। तो थोड़ा पटेल जी जब बोला करो तो अपनी पार्टी के बारे में जान समझ के बोला करो, काहे एक्सपोज़ हो जाते हो। कोई राज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी है, कोई राज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी है, 5 साल से वहां झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं पास किया, राजस्थान में अभी पास किया जब 2 महीने पहले जब इनकी सरकार जाने वाली है, राज्यपाल का उसमें कहीं रोल नहीं है, क्या आज इस समय किसी राजपाल की हैसियत है कि प्रस्ताव भेजा जाए? ठीक 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 एक मिनट मनोज यादव की बात, रुकिए रुकिए एक मिनट, एक मिनट, दोनों लोग नहीं बोलेंगे एक साथ, मनोज यादव अभी रुकना होगा आपको, एक सेकंड प्रशांत पटेल, एक मिनट रुकिए मैं आपको अवसर दूंगा। सबसे बड़ा, छोटी बातें छोड़ो, सबसे बड़ा काम किया लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में, जिस दिन प्रस्ताव भेजा सरकार ने विधानसभा से उसी दिन गवर्नर हाउस से दस्तखत होके आया। आप भी तो आरोप लगाने से पहले ज्ञान गणित समझो भैया, कि
लाठी लेके चलोगे? ऐसे नहीं। जिस दिन बिहार विधानसभा सरकार ने कैबिनेट ने पास किया, असेंबली में आया, असेंबली ने पास किया, गवर्नर हाउस गया, गवर्नर हाउस से तत्काल उस पर मोहर लग के आ गई। वहां क्या लालू यादव का बनाया हुआ गवर्नर है? नहीं ना, वहां भी मोदी जी का ही बनाया हुआ गवर्नर है। मनु यादव नेताओं ने सदन में उसका समर्थन, वहां भी मोदी जी का ही बनाया हुआ गवर्नर है, इसलिए कोई भी सर ठीक है ठीक। अभी रुकना होगा। प्रशांत पटेल, प्रशांत पटेल, मैं एक प्रश्न समझना चाह रहा था कि बाकी तो आप उत्तर दीजिएगा गवर्नर पर जो कहेंगे, कि बीपी सिंह अशोक गहलोत पिछड़े वर्ग से चीफ मिनिस्टर रहे 5 वर्ष, और बीपी सिंह से पहले उनके रहते भी 5 वर्ष क्या कई वर्षों से गहलोत साहब वहां चीफ मिनिस्टर, पिछले 30 वर्षों से गहलोत और वसुंधरा, ठीक वहां भी मूर्ति लग सकती थी। जब कांग्रेस कह रही सब मेरा अच्छा ही हो गया और हम लोग तो बीपी सिंह के सामाजिक न्याय वाले उसके पीछे खड़े हैं, नहीं। भूपेश बघेल ओबीसी चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, वहां लगा सकते थे मूर्ति। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश जी रहे चीफ मिनिस्टर, वहां लगा सकते थे। बिहार में लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, अब तेजस्वी जी हैं, वो वहां लगा सकते थे, नहीं जी? प्रशांत जी क्या लगता है इसकी जी? देखिए बीपी सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में वो नहीं मिला, मैं स्वीकार करता हूँ। और उनका मूर्ति कहीं भी लगनी चाहिए, उत्तर भारत में भी लगनी चाहिए, साउथ में लग रही है अच्छी बात, उत्तर भारत में भी लगती है, जो लोग उनके फॉलोअर होने का दावा करते लगाते हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में लगती मूर्ति तो और भी अच्छा होता, उत्तर प्रदेश से तो वहाँ के रहने ही वाले थे, तो ये तो अच्छी बात है। मूर्ति लगने में कोई उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से उनकी टीएस है और रहेगी, और कांग्रेस के साथ ही हमारे शायद सेक्टर सेक्शन अनुच्छेद 16 बोलना चाहते तो 15 बोल गए। अनुच्छेद 16 में पिछड़ों के आरक्षण की बात कही गई है सुधाकर जी, और संविधान में मुस्लिम शब्द के आरक्षण की कहीं बात नहीं, पिछड़ों के आरक्षण की बात है निश्चित तौर पर। 16 जी बिल्कुल, और बिल्कुल जहां तक ओबीसी की बात है तो ओबीसी वर्ग मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी, सबके लिए। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ओबीसी आरक्षण केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। आज मुस्लिमों के भी 80% जातियां ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन पा रही हैं, ईसाइयों में जो ओबीसी जातियां हैं वो भी पा रही हैं, सिखों में जो भी पा रही, अन्य धर्मों में भी अगर होंगी, बौद्ध में भी होंगी तो वहां भी पा रही होंगी, तो उसमें तो कहीं कोई रोक है नहीं। अब आप अगर धर्म के आधार पर अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है, अब रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन, अब डबल रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसकी बात मैंने नहीं, उसकी बात मैंने की है, पहले भी आपने लाने का प्रयास किया बैकडोर में, कोर्ट ने उसको खारिज किया। हम पसमांदा की बात करते हैं, पसमांदा तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, मंडल कमीशन में उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन आप जो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हैं, जो जेन्युइन ओबीसी लोग हैं उनका अधिकार आप मारने का प्रयास कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, इसलिए आपको लगातार उनकी कहानी पड़ रही। आप पहले अभी जो आपकी जो कारकाणी बनी है AICC की, उसमें आपने 14% खाली ओबीसी को रखा है, वहां तो रख दिए 30-35%, अभी मध्य प्रदेश में आपने टिकट दिए खाली 27% ओबीसी को टिकट दिए, वहां पे आप दे दिए होते टिकट, तो आप पहले अपनी कथनी और करनी में अंतर करना सीखिए, उसको पहले एक करिए। ठीक अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न बड़ा जेन्युइनली खड़ा होता है कि मंडल की जब संस्तुतियां लागू हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसमें पिछड़े को आरक्षण दिया गया, वो पिछड़ा कहीं का हो, ठीक एक रास्ता खोल दिया भारत की संसद ने, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके और भारत की संसद तक का स्पष्ट मत है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण घोषित नहीं कर सकते। नो वे। क्या आंध्र में विधानसभा में ऐसे कोशिश हुई थी, पारित किया था प्रस्ताव, टर्न डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट से, वहां तो सपा भाजपा बसपा नहीं थी, ठीक। और फिर बार जब भी कोई किसी राज्य में ये कहा जाता है कि मैं मुस्लिमों के लिए आरक्षण देंगे, क्या तो क्या ये इंप्लाइड नहीं है कि वो राज्य बोलने वाला भी जानता कि आरक्षण तो दे नहीं पाएंगे, देंगे तो मुकदमा में टर्न डाउन हो जाएगा, बोल दो। हाँ, मतलब तेलंगाना में भी 12% रिजर्वेशन प्रॉमिस किया था KCR ने, लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही पॉसिबल नहीं है तो वो हो नहीं पाया आज तक, और इसलिए भी शायद वहाँ पे इस बार दिक्कत का सामना कर रहे हैं KCR। तो ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये मुस्लिम समाज का वोट अपने आप अपने पाले में साधने के लिए ऐसे वादे करते रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। हालांकि OBCs के थ्रू
अगर उनको ओबीसी में क्लासिफाई किया जाए, जैसा बिहार में भी कास्ट सेंसस मेरे हिसाब से जो 17-18% मुस्लिम समाज है वहां पर, उसमें से 12-13% लोगों ने अपने आप को ओबीसी में क्लासिफाई किया है 5% के अंदर। तो अगर ओबीसी क्लासिफिकेशन के थ्रू और किसी सर्वे या एक बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के थ्रू ये काम किया जाता है तो कोर्ट्स में इसके पास होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी नहीं, मंडल की सिफारिश के बाद जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए मिलना शुरू हुआ उसमें पिछड़ेपन को ही आधार बनाया, उसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाली तमाम जातियां इंक्लूडेड है देश के अलग अलग राज्यों में, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, कहीं लठ नहीं चल रहा। मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जातियों का नाम लेना भी आजकल बड़ा एक समस्या का कारण है, कब कहां कौन मुकदमा ठोंक दे तो और आफत, लेकिन सब जानते हैं कि वो जातियां इंक्लूडेड हैं, कहीं कोई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। बट ये किसी कोर्ट किसी विधानसभा इंपावर्ड नहीं है कि वो ये लिख दे कि मैं 0.01% मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे, ये भी संभव नहीं है। रत्नाकर जी जब इस बात को क्रिस्टल क्लियर जानते हैं क्या, तब फिर ये बात तो नहीं करनी चाहिए। एक ही रोशनदान है पिछड़ा ये ओबीसी रिजर्वेशन वाला रास्ता कि इसके थ्रू रिजर्वेशन सबको मिल रहा है, लेकिन आप ये कहें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देंगे तो ये तो संभव नहीं। रत्नाकर जी, जी जी अमिताभ जी, देखिए दो तीन चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। पहले तो देखिए हमारे भाई प्रशांत पटेल जी ने, भले वो अनुच्छेद 15 हो या 16 हो, शायद ये गूगल करके उसको क्लियर करेंगे, भले हो, लेकिन ये तो माना ना कि राज्य में स्पेशल जो है उनको अधिकार होते हैं, वो कुछ तबके को जो है आप स्पेशल रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कि कर्नाटका में पसमांदा समाज के मुसलमानों को रिजर्वेशन तय किया गया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समाज को उठाने की कोशिश करते हैं जो समाज के मुख्य धारा से दरकिनार कर दिए गए हैं, उनको ला करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश है हमारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या कोशिश है? ये भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि मुसलमानों को, जो पसमांदा मुसलमान है, उनको, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनको अगर उनका रिजर्वेशन हटा करके, और योगी जी ने अभी तेलंगाना में बोला है 2 दिन पहले ही, उनका रिजर्वेशन छीन करके और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को, हिंदू समाज के जनजातियों को या दूसरे समाज को दे देंगे, इनकी मानसिकता दर्शाती है। इसके खिलाफ है, अनुसूचित जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन मिले, अनुसूचित जनजातियों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वही मैं आगे कहने जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जिसको जितना रिजर्वेशन मिलता है उसको मिले, और आरक्षण के ऊपर आरक्षण का जो प्रावधान इन्होंने 10% EWS का किया है, इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है उसके लिए किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। उसी तरह से भैया आप आरक्षण हटा क्यों रहे हो? आरक्षण के ऊपर आरक्षण लाओ ना, ये क्यों कर रहे हो? देश की जनता को और जो इनको मिल रहा है उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हो, या कि मंशा दर्शाती है? और ये सामाजिक न्याय देखिए, ऐसे नहीं होता है, खाली बोलने से नहीं होता है। अभी 10 मुख्यमंत्री हैं इनके देश में, लेकिन उन 10 मुख्यमंत्री में पूछिए कितने ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री है, इनका सिर्फ एक है। तो ये कहां, ये जो बात करते हैं ओबीसी समाज के हित की, वो दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी तो ये मांग करती है कि आपने महिलाओं का आरक्षण दिया, खुशी की बात है, हमने समर्थन किया, और त्वरित लागू करिए, और महिलाओं को आरक्षण भी दीजिए। तो आरक्षण में तो खाली बताते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम पिछड़ों के मत नहीं है। अरे भाई, हम करें पिछड़े के मसीहा, हम ऐसा कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवा के सब लोग अपने माथे पे लगा लो, कोई पुलिस पकड़ रही है? मसीहा बनना तो सबसे सरल है, घोषित कर दो, फेसबुक पे लिख दो, हम फलाने पिछड़ों के मसीहा, अगलों के मसीहा, मुसलमानों के मसीहा, कौन कोई मुकदमा थोड़ी चलेगा, सब क्लेम करो, वो तो वोट पे पता लगता कौन मसीहा है कौन क्या है। नहीं, अभी मान लिया हम ही लिख देंगे हम पूरे भारत के मसीहा हैं, चुनाव लड़े तो पार्षद ही हार जाए, भाई साहब ऐसा नहीं चल सकता ना। और एक बात मैं कहूं, कांग्रेस को हमेशा सोचना चाहिए कि ये 360 डिग्री पर टर्न मत लो, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। एक उदाहरण कहकर मनोज जी के पास जाऊंगा, फिर समय समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के लिए कहूंगा कि राहुल गांधी को थोड़ा अतीत का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी उनके परिवार की पार्टी रही है। क्या
बाहर वाले मनोज यादव तो वहां चेयरमैन रहे नहीं कांग्रेस पार्टी में कभी, वो तो परिवार का ही खेल है, तो इसलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से, अमिताभ तिवारी जरा आप विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए आप ज्यादा समझ पाएंगे, मध्य प्रदेश में आज तक दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, ठीक, कोई दलित पिछड़ा बना नहीं, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए दिग्विजय सिंह को हटा के, ठीक, जब उनको चुनाव में हराया, तीनों अति पिछड़े, अब मैं जिकाऊ जाति बोल दूं, मनोज यादव की सजाती बाबूलाल मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल गौर लिखते वो यादव थे, ठीक, लोध राजपूत उमा भारती और अति पिछड़े वर्ग से शिवराज सिंह। जनता बौरी नहीं भाई साहब, रोटी खाती है, इस गलत फहमी में मना रहा हो कि हमारा शो देख के जनता वोट थोड़ी दे देगी, वो रोटी नहीं खाती। इसलिए ऐसा ऐसा बिल्कुल मनोज यादव जी, मसला वही कि ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जहां जन्मे, जहां राजनीति किए, जहां से लोकसभा गए, जहां से विधानसभा गए, जहां से मुख्यमंत्री रहे, जहां से प्रधानमंत्री रहे, वहां आप लोग इतना शासन किए, इतना भौकाल टाइट रखे अपना, अरे किसी स्कूल स्कूल का ही नाम कर देते, डिग्री पिग्री कॉलेज ही खोल देते, किसी कोल्ड स्टोरेज का ही नाम रख देते, राजा मांडा शीतगृह नहीं, जवाने भर को नाम से क्या क्या चला दिया आपने, किन किन की मूर्ति लगा दी, उधर नहीं गए और ना लालू जी को जाए, लालू जी गए। यादव जी 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 अमिताभ जी, अब आपका एक शब्द चुरा रहा हूँ, वैसे बचपन में हम भी बोलते थे लेकिन आपका शब्द बड़ा फेमस है, ये खटोला तो अब हर प्रदेश में बिछेगा और खटोले के हिसाब से ही राजनीति होगी। 63% बैकवर्ड बिहार की जनगणना जो भी सर्वे हुआ उसके आधार पे आ गए, और कुछ लोग चाह के ना चाह के भी, अभी जो आपने राज्यपाल महोदय वाली बात बताई, दस्तखत हुआ, पास हुआ, 75% आरक्षण क्लियर, राजनीत मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी 2-3 लागू हो पाई थी, पुलिंदा तो बड़ा है, अभी तो पूरी राजनीति बाकी है पिछड़ों की। अब जो बीज बोया गया है, जो बात आज निकल के आई है, मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से मेरी पार्टी में कोई प्रवक्ता इस तरह कह रह नहीं पाएगा, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ आपको, वो जो बीज तमिलनाडु की धरती चेन्नई में बोया गया है, वो अब खटोला वाला उदाहरण जान लो, पूरे प्रदेश में हर जगह राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस की भी मजबूरी होगी कि पिछड़ा वर्ग की लड़ाई अधिकार जरूरी कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे आ गया, और जो आप कह रहे हैं वो सारी बातें सही हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं इस देश में, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण इनको अछूत समझते हैं आज की डेट में, बुरा मत मानिएगा, न कांग्रेस के साथी ना और कोई, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण अगर दिए तो कांग्रेस ने दिए, देश में दिए तो कांग्रेस ने दिए, राज्यपाल दिए तो कांग्रेस ने दिए, लेकिन वही ब्राह्मण इनको अछूत समझता है। बैकवर्ड को ये सुने नहीं, बैकवर्ड को नहीं सुने कोई बात नहीं, जो बैकवर्ड की राजनीति कर रहे थे दल उनको भी इन्होंने घास ना डाली, चाहे हम 10 साल बेशर्मों की तरह समर्थन दिए हो, चाहे मजबूरी में दिए हो, चाहे जरूरी में दिए हो, चाहे देश की आन मान शान बचाने के लिए दियो, चाहे इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए दियो, समझा नहीं, अब समझ में आ गई बात कांग्रेस को, इसीलिए जाति गणना वाला गुड़िया 108 बार दिन भर में राहुल गांधी जी भी जप रहे हैं। मोदी जी बैकवर्ड चेहरा आए थे बॉय बन के, बैकवर्ड बॉय जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, गरीब है, उस चेहरे को हम धुंधला कर देंगे क्योंकि वो नकली बैकवर्ड है। असली बैकवर्ड की राजनीति 2024 के चुनाव का केंद्र बिंदु बनने जा रही है, इतना स्पष्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आपको बताए। 63% पूरे देश में लागू होगा, पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। जी प्रशांत पटेल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़ों का मुद्दा 24 की चुनाव का केंद्रीय मुद्दा होगा।
जी बिल्कुल, मुद्दा है, मुद्दा रहना चाहिए जी, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी ही सबसे योग्य उम्मीदवार है विपक्ष के, कि वो ओबीसी भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, 80 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका उम्मीदवार, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, तभी ये अच्छी से टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ राहुल गांधी से अधिक अनुभवी है, अधिक योग्य है। और रत्नाकर सिंह जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, मैं कहता हूँ देखिए सैयद शेख पठान और 2-3 जातियों को छोड़ करके मुस्लिम की सभी जातियां ओबीसी में आती हैं। आप ओबीसी का कोटा सब जगह 27% लागू करा दीजिए अपनी, वहां पे उनके अपने आप रिजर्वेशन मिल जाएगा, उनको सबको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है तहसील से, आप अलग से उनको देने काम करें। तो बाकी जातियों जो अन्य ओबीसी जाति उन पर अत्याचार करने की बात कर रहे हैं, 16(4) में राज्यों को भी अधिकार है किस जाति को ओबीसी में डाल सकती है, आप डालिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी धर्म के आधार पर कहीं पर भी रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन देने का कोई प्रयोजन नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन रिलीजन न्यूट्रल है। चाहे कितने भी भाषण दो, कितना भी जोश भरी तकरीरें करो, धर्म के आधार पर आरक्षण ना मनोज यादव की पार्टी दे सकती, ना रत्नाकर सिंह की, ना प्रशांत पटेल की। लिख लो क्या भाषण में बोलते रहो, चुनाव आए तो बोल दो कि देंगे, जिस जिस धर्म के इलाके में जाओ वहां बोल दो, गिरजाघर में जाओ तो कहो क्रिश्चियनों को देंगे, मस्जिद में जाओ तो मुसलमानों, दे नहीं पाओगे ठीक। 415 सीटें आई तब नहीं दे पाए, अब क्या दोगे, तभी बदल देते, भारत का नक्शा नहीं बदल पाए ना मित्र, इसलिए ऐसी बातें नहीं करूं। मैं एक बात फिर कहूं, मेरा विश्लेषण तटस्थ इसलिए होता है क्योंकि मैं उन दलों को यह भी बताता हूं कि आप कहां पर चूक गए, आप कर सकते थे बेहतर लेकिन आपके पास उतनी समझ नहीं थी। मैं IQ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, समझ नहीं थी, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अलग चीज है, क्या वो देश के कुछ ही लोगों में आई है अभी तक, वो इतनी सस्ती चीज नहीं। रत्नाकर सिंह की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा, पता नहीं राहुल गांधी को उसका ज्ञान है भी कि नहीं है, क्योंकि जब ये देश में सब हो रहा था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये लोग तब मेन भूमिका में नहीं थे ना, ये दूसरी दुनिया में थे तब, और अगर इस दुनिया में आ भी गए होंगे तो नर्सरी के बच्चे रहे होंगे उस वक्त राजनीति में, तब इनके पिताओं का दौर था। मैं एक बात कहता हूं अमिताभ तिवारी, आप इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा, बीपी सिंह ने मंडल की सिफारिशें लागू की नौकरियों में ठीक, उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उच्च शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय संस्थान शिक्षा संस्थानों में अर्जुन सिंह ने लागू किया, कांग्रेस आज तक कहीं भुना नहीं पाई, कहीं बोल नहीं पाई, मुंह में दही जमा घूमती रही क्या, और लात घूसे खाती रही सबके, बोले ये तो ओबीसी के खिलाफ वाली पार्टी है क्या। मुलायम सिंह ने भी रगेड़ा, लालू यादव ने भी रगेड़ा, नीतीश बाबू ने भी रगेड़ा, बोले हटा इनको, ये एंटी ओबीसी है सब क्या, क्यों, क्योंकि आपने अर्जुन सिंह को ही के 12 बजा दिए क्या। अर्जुन सिंह अपने जीवन का अंतिम समय कैसे दुख में काटे, और आज उनके लड़के को कोई पूछने वाला नहीं क्या। आपने राहुल गांधी के किसी भाषण में सुना कि यह कांग्रेस है जिसके नेता अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ों के लिए काम किया था, नहीं ना, मुझे नहीं, कौन कौन सी बातें बोलते, कहां कहां की, जिन बातों कोई अर्थ है तो अभी नहीं है तो अभी बोल ही रहे हैं क्या, ये बात किसी ने बोली, रत्नाकर भाई के बोलने से नहीं बात होगी, मनोज यादव कहने से नहीं होगी ना, बड़ा कंठ चाहिए। प्रियंका गांधी ने कभी बोला कि अर्जुन अंकल ने ऐसा किया था, नहीं ना, उनके लड़के कहीं घुमाए देश में, नहीं ना, स्टालिन को समझ है तो बीपी सिंह के लड़के को बुलाए क्या, हालांकि बीपी सिंह का लड़का भी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो बुलाए उनको। आपने अर्जुन सिंह लड़कियों को भी बुलाया, मेरी बात कड़वी होती है दोस्त लेकिन होती बिल्कुल गिलोय घनवटी है, बताइए, नहीं ना, जब आपको अपनी ही जो कुछ दो चार अच्छे काम किए उन्हीं की सुध नहीं तो आपका तो घर से सामान दूसरे ले ही जाएंगे उठा के, आपको होश ही नहीं स्टॉक में क्या पड़ा है, तो कभी मनोज जी ले जाते कभी कोई ले जाता है। मुलायम सिंह जी की पार्टी कोई नया वोट बैंक लेके नहीं आई थी,
आपका कुछ हिस्सा कांशीराम जी ले गए, कुछ मुलायम सिंह जी ले गए, बचा हुआ भाजपा में चला गया, यही ना हुआ? आपने कुंडी खुली क्यों रखी? इसका मतलब आप जनता की समझ वाले मुद्दों से दूर रहे, जनता कह रही कुछ और आप हाके पड़े कुछ। मैं तो हैरान हूं, जिन्होंने वीपी सिंह की कभी फोटो नहीं लगाई अपने दफ्तर में, वो सब लोग कह रहे वीपी सिंह जिंदाबाद। क्या अर्जुन सिंह इतना बड़ा काम कर गया, आपने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया? अजय सिंह को भी आपने कभी मंच पर नहीं बैठाला? और मैं एक बात कहूंगा कि पता नहीं क्यों होता है, कांग्रेस वक्त पर सही फैसले नहीं लेती, वो तो एक बीमारी है, सही दृष्टांत भी उसको याद नहीं रहते, ये च्यवनप्राश की कमी है। च्यवनप्राश खाइए तो रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझसे कहा, जब प्रश्न आया कि सोनिया गांधी को बनना चाहिए, रत्नाकर जी आज आपके सामने बता रहा हूं, टेन जनपद से कंफर्म करा लीजिए कि मेरी बात असत्य नहीं होती, क्या रामविलास पासवान को भेजा बीपी सिंह के लिए कि भाई सोनिया जी उनसे बात करना चाहती हैं? क्या बीपी सिंह ने भी झिझक तोड़ी, गाड़ी में बैठे गए 10 जनपद? क्या उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? जो उन्होंने कहा वो नहीं बताऊंगा, ये बात मुझे बीपी सिंह ने बताई। क्या तो रिश्ते उतने सुधर रहे थे आपको, वो भी होश नहीं आपको कि भाई बाद में हमने मामला ठीक कर लिया था? अब क्रेडिट कौन लेगे, अखिलेश यादव और स्टालिन? क्या अब मनोज यादव कह रहे हम तो अब मोहल्ले मोहल्ले बीपी सिंह की मूर्ति लगाएंगे, कहीं छोटी कहीं बड़ी, ले एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी एक मुझे बात लगती है कि बीपी सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगड़ों ने बहिष्कृत कर दिया और पिछड़ों ने अपनाया नहीं, बात कड़वी कह रहा हूं। क्या पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह हुए, लालू यादव हुए, विश्वनाथ नहीं हुए, किया धरा उनका था और अगड़ों ने उनको बहिष्कृत कर दिया कि तुमने ऐसा काम किया। जब बीपी सिंह सब झंझावात से गुजर बाहर आए, खामोशी आई थोड़ी सी देश में, तो गए फतेहपुर, वहां पंचायत हुई उनके गांव में, मनोज जी क्या सारे ठाकुर बैठे, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं और ये बातें गूगल नहीं, विश्वनाथ प्रताप हमको बताए, मैंने उन्हें एक इंटरव्यू किया था, उनका पूरे पन्ने का वो कई किस्तों में छपा था, उसमें सब बातें हैं रिकॉर्ड में। विश्वनाथ प्रताप सिंह सिर नीचे के बैठे रहे, सारा गुस्सा निकल गया, फिर अंत में लोगों ने कहा जाओ राजा तुम्हार गुनाह माफ किए। क्या वहां भी हुक्का पानी बंद हो गया, इधर दरवाजा खुला नहीं, इसलिए बीपी सिंह अधर में लटक गए, इसलिए उनका कहीं मंदिर नहीं बना ना, मंदिर से मेरा मतलब आभा मंडल वाला दृष्टांत कहीं नहीं बना। आपने किसी ने देखा बीपी सिंह के जन्मदिवस पर कोई बड़े नेता ट्वीट करते हो? आज को छोड़ दीजिए, नहीं, उनके निधन पर नहीं। कुछ का कारण यह कि भाई बीपी सिंह को क्रेडिट क्यों दे, ठाकुर को क्रेडिट क्यों दे? अमिताभ जी यह भी राजनीति में रहा कि ठाकुर को क्यों क्रेडिट दे, और कुछ ये भी रहा कि भाई बीपी सिंह के पीछे कोई ऐसा दल नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं था, सिस्टम नहीं था जो उनकी स्मृति को जीवित रखता। अंतिम समय में विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत कमजोर स्थिति में थे, एक वसीम अहमद नाम के हमारे दोस्त थे, वो उनके घर जाते थे उनका हालचाल लेने, रत्नाकर जी क्या, बाकी बिल्कुल सन्नाटे में जीवन था विश्वनाथ प्रताप सिंह का। मनोज जी जो आदमी इतना चमत्कारी रहा, मैं उनके घर जाता था तो खाली, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। क्या और एक सज्जन थे वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, वो रहते थे बस कभी कभी। मैंने पूछा विश्वनाथ प्रताप सिंह से कि आप क्या चाहते हो, ये देश आपको कैसे याद रखे, तो उन्होंने अपनी भाषा में अवधि में कहा, प्रशांत जी
कि जब हम ही अपने को नहीं समझे अग्निहोत्री जी, तो ये देश हमको क्या समझेगा? क्या शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह सही बोल कर गए थे। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह की याद इसलिए आई कि 24 का चुनाव दरवाजे पर आ गया है, अन्यथा इससे पहले कभी याद नहीं आई बीपी सिंह की। धन्यवाद। के साथ मन को जगाओ, वी गार्ड वॉटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी, अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मूल मसला ये कि ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण है, उनकी मूर्ति और स्टालिन और अखिलेश यादव की जोड़ी, या INDIA गठबंधन के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस को असहज रखने की कोशिश है। क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस के सामने सवाल खड़े होते जाएंगे और कांग्रेस उन सवालों से भाग नहीं सकती, क्योंकि आप वर्तमान में अतीत के बड़े सवालों से कभी भाग नहीं सकते। बड़ा सच है, कड़वा सच है। धन्यवाद। साथ मन को जगाओ, वी गार्ड वॉटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी, अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।